देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला दीपांशु की हत्या करके उसके दोस्त ने उसकी लाश एक नहर में फेंक दी थी। चार दिन बाद युवक का शव मिलने के बाद पुलिस इस हत्या की जांच में जुट गई थी। पुलिस ने इस हत्या की साजिश रचने वाले तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस फरार साथी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दीपांशु के पिता मनोज कुमार ने अपने बेटे की गुमशुदगी नजीबाबाद थाने में 19 अप्रैल को लिखवाई थी। दीपांशु की लाश 23 अप्रैल को एक नहर में पुलिस ने बरामद कर ली थी। दीपांशु की हत्या को लेकर SP बिजनौर थाने की पुलिस को लगाया था। पुलिस ने आज इस हत्या का खुलासा करते हुए मृतक दीपांशु के तीन साथियों हर्ष, मनीष और शुभम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी रितुल अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सुधांशु और दीपांशु ने मामूली कहासुनी को लेकर हर्ष को पीट दिया था। इसी को लेकर हर्ष ने दीपांशु से पहले तो माफी मांगी, बाद में दावत के बहाने वो दीपांशु को अपने घर पर ले गया। घर पर कोई नहीं था तभी हर्ष ने फोन करके अपने चार साथियों को बुलाकर दीपांशु की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और बोरी में भरकर लाश को नहर में फेंकाया। पुलिस ने इस हत्या में मृतक का मोबाइल और चाकू बरामद कर लिया है और आरोपी को जेल भेज रही है। थाना नजीबाबाद में 19 अप्रैल को मनोज कुमार ने अपने 18 वर्षीय पुत्र दीपांशु की गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसके बाद चार दिन बाद दीपांशु की डेड बॉडी भरे की नहर से मिली थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए थाना नजीबाबाद पुलिस लगी हुई थी। आज उन्होंने दीपांशु के दोस्त हर्ष वर्मा, मनीष और शुभम मलिक तीनों को अरेस्ट किया है। इनका चौथा साथी रितुल अभी फरार है। 17 तारीख को आपस में इनकी मामूली कहासुनी और को लेके विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें दीपांशु ने हर्ष वर्मा की पिटाई कर दी थी। बेइज्जती महसूस करते हुए चारों दोस्तों ने सबक सिखाने के लिए हर्ष वर्मा के घर पर बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू बरामद कर लिया गया है। पूरा घटनाक्रम जो है सही से खुलासा हो गया है। इनका चौथा साथी अभी फरार है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 2500 रुपये पुरस्कार दिया गया है। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।